का नया क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रैपेजियम, ये ए बी सी और डी ये क्या हमारा ट्रैपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल डी सी है, ये ए बी है, ये ए बी पैरेलल किसके है डी सी के है, ए बी पैरेलल है किसके डी सी के, ए बी बराबर दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये ए डी है, ए डी किसके बराबर है बी सी के, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज 4 सेंटीमीटर, ये ए बी और डी सी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ डी सी, लेंथ निकालना है किसका डी सी का, और एरिया बोलना निकालने के लिए ट्रैपेजियम का किसका ए बी सी डी का, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहां पे नाइन्टी डिग्री ट्राइंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एल डी, ए एल डी, अब ए एल डी में ए एल कितना है 4 सेंटीमीटर है, और डी एल नहीं दिया हुआ है, तो डी एल निकालेंगे, डी एल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 9, डी एल स्क्वायर कितना आ गया 9, डी एल बराबर √9 3 सेंटीमीटर, यहां पे किसी को दिक्कत, यहां पे कहां से आई है फ्रॉम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फॉर्मूला, हाइपोटेनस फॉर्मूला क्या है हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अब बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यहां पे जो है यहां पे ए बी ए एल और डी, ये ए एल डी है ना, यहां पे फिगर ए एल डी का, ए एल डी यहां पे, ये डी एल क्या हो गया हमारा डी एल है बेस हो गया, डी एल क्या हो गया हमारा बेस हो गया, तो बेस को क्या लिख देंगे बी, और ये हमारा क्या हो गया ए एल, ए एल क्या हो गया हमारा पी, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया एच, तो हाइपोटेनस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब जैसे यहां पे ए एल डी निकाले वैसे बी एम सी निकाल देंगे, तो बी एम सी में कितना सेम 90 डिग्री, बी एम सी, बी एम सी का फॉर्मूला बोलो, बी एम सी का क्या आ जाएगा, तो बेस बराबर यानी कि एम सी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 9, एम सी स्क्वायर कितना हो गया 9, एम सी बराबर √9 कितना आ गया 3 आ गया, अब यहां पे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो डी एल की वैल्यू निकल गई, अगर डी सी निकाल हमें निकालना क्या है यहां पे, क्या बोल रहा है डी सी निकालने के लिए कह रहा है, तो डी सी इस इक्वल टू क्या कर देंगे डी एल प्लस एल एम प्लस एम सी, डी एल का वैल्यू बोलो, डी एल का वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, एल एम का वैल्यू, अब एल एम ये जो एल एम है ये एल एम, ये यहां से लेके यहां एल एम की वैल्यू कितना है, ए बी पैरेलल है किसके डी सी के, तो ए बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर, एम सी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7 3 और 3 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये डीसी के वैल्यू निकल गया, डीसी के वैल्यू निकल गया, अब हमें लास्ट में क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम बोलना निकालने के लिए, एबीसीडी का, एबीसीडी का एरिया ऑफ ट्रैपेजियम बोलना निकालने के लिए, एरिया ऑफ
ट्रैपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी फॉर्मूला क्या है ए बी ट्रैपीजियम का? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई गुना डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड कौन होगा। अब हमारा ए बी क्या है, ए बी क्या है हमारा पैरेलल है किसके, डीसी के। ए बी क्या है हमारा पैरेलल है डीसी के, तो डीसी की वैल्यू कितना आया 13 सेंटीमीटर, और पैरेलल कौन है एल एम, एल एम की वैल्यू कितना है, डीसी का वैल्यू लिख दिया 13 सेंटीमीटर, ये डीसी ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, और ये ए बी कितना 7 सेंटीमीटर, पैरेलल ऐड हो गया मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर बी। लिख लो इसको।